टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। देखो घड़ी दिख रही कि नहीं, घड़ी दिख रही है, मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के वार्ड नंबर 30 में एनसीपी पार्टी की तरफ से एनसीपी की नगर सेविका हफीजा नसरुद्दीन नाइक ने फ्री आंखों का चेकअप कैंप रखा था। यहां पर विरोधी पक्ष नेता अशरफ सानू पठान भी मौजूद रहे। इसके अलावा नगर सेवक जफर नुमानी, अन्य एनसीपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। एनसीपी की युवती उपाध्यक्ष थाने शहर की नेहा नसरुद्दीन नाइक ने बताया कि आंखों का चेकअप और फ्री फ्रेम उपलब्ध है, सिर्फ जो ग्लास लगेंगे उसका 50% चार्ज लिया जाएगा। शानू पठान और नेहा नाइक और जफर नुमानी ने क्या जानकारी दी है, सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से मुमरा कौसा की विविध जगहों पे हर जगह सामाजिक और लोगों हित के लिए कैंप लगाए जाते हैं। इसी तरीके से हमारे इस प्रभाग के अंदर नेहा अफीजा मैडम की बेटी और हमारे जफर भाई मेरे दोस्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से डॉक्टर जितेंद्र रावत जी के मार्गदर्शन में यहाँ पे आई टेस्टिंग का कैंप रखा गया, जिसमें अभी तक नागरिकों ने 30 से 35 लोग इस वक्त तक अपनी आई इसको चेकअप करा चुके और शाम तक ये आंकड़ा 200 के लगभग जाएगा। हम लोग कोशिश करते हैं कि पूरे मुरमा प्रभाग समिति के अंतर्गत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकहित के लिए, जनहित के लिए जितना हो सके हम काम कर सकें। बाकी की रही बात कमियों की, कोई इंसान ऐसा नहीं है जहाँ पे जिनके इधर कमियाँ नहीं है, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हमारा जो रेटिंग है वो 10 में से कम 7 होना चाहिए। हम 10 में से 7 लोगों तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पक्ष की ओर से फ़ायदा पहुँचा सके और उसके लिए हम डॉक्टर जितेंद्र रावत जी के मार्गदर्शन में शमीम खान जी, सैयद अली भाई साहब और हमारे एनसीपी कॉर्पोरेटरों की तरफ से मदद के जरिए हम हर प्रभाग के अंदर लोकहित के कार्यक्रम कर रहे हैं। हमें यकीन है और हमें उम्मीद है कि हम इस काम के जरिए लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुँचा सकेंगे और इस प्रभाग के अंदर इस पैनल के जो नगर सेवक हैं हफीजा मैडम, जफर भाई, सिराज डोंगरे जी और काम करने के लिए उनके साथ दे रही है जो नेहा और अपने यूनुस, सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे सभी लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते मैशर काम कर रहा है, सभी पक्ष के लोग अलग अलग अपना काम कर रहे हैं और हम एक परिवार है। इंशाल्लाह ताला मिलकर एक टीम वर्क के नाते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरे थाना के साथ मुमरा प्रभाग समिति के अंदर बेहतरीन कामों में आगे रहेगी। आज ये कैंप हफीजा नसरुद्दीन नाइक साहब के ऑफिस पर ये कैंप रखा गया है, फ्री आई टेस्टिंग कैंप था ये। ये कैंप माननीय डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, शमीम खान साहब, सैयद अली अशरफ साहब, शानू बड़ान साहब, राष्ट्रवादी की पूरी टीम, तमाम नगर सेवक यहाँ पर मौजूद, शहबाज नाइक, जो नेहा नाइक साहबा यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। ये कैंप फ्री आई टेस्टिंग कैंप है, कंप्यूटराइज है, बिल्कुल फ्री कैंप है और जो कांच हम लोग जो उनको फ्रेम दे रहे हैं फ्रेम भी फ्री में है और जो उसके कांच है, जो कांच लगते हैं, अगर वो बाज़ार में 2000 का कांच है तो हम उसको 50% में दे रहे हैं। तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर और माशाल्लाह अभी 1:30-2 बज रहे हैं, तकरीबन 30 से 35-40 लोगों का टेस्टिंग हो चुका है, ये शाम को 6 बजे तक रहेगा। और दूसरी बात ये है कि हमारी ये कोशिश रहती है, इससे पहले भी हमने बहुत सारे कैंप को रखा था, हम ये कोशिश करते हैं कि वार्ड के लोगों को किस तरीके की फ़ायदा पहुँचे। और मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि तमाम नगर सेवकों, नगर सेवक से मेरी अपील है कि बराए मेहरबानी अपने अपने वार्ड में इस तरीके का कैंप रखें जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके। इस वक्त प्रभाग क्रमांक 30 में मेरी वालिदा कॉर्पोरेटर हफीजा नसरुद्दीन नाइक के सपोर्ट से जफर नुमानी साहब, हमारे सीनियर कॉर्पोरेटर सिराज डोंगरे साहब और ये जो काम हो रहा है, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब, हमारे सैयद अली अशरफ भाई साहब, शमीम भाई, शानू पठान भाई के सपोर्ट से हमने एक बिग बॉस ऑप्टिशियन फ्री आई चेकअप का आयोजन किया है। इनका असलम भाई इसके ओनर है, इनका अंधेरी में 2 ब्रांच है और मुमरा में बहुत जगह इन्होंने ये कैंप रखा है। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत डिस्काउंटेड रेट पे है, इनके हम फ्रेम फ्री दे रहे हैं, सिर्फ ग्लास का कॉस्टिंग है जिसमें सिंगल विजन, बाइफोकल और प्रोग्रेसिव ये तीनों अवेलेबल है 50% डिस्काउंट रेट में। मानो भार अगर 2000 का है या 1000 का है तो यहाँ 500 रुपये में, 1000 रुपये में आपको वो चीज़ मिलेगी। कोशिश यही है कि इंशाल्लाह आने वाले
इस मंथ में और अगले महीने में इंशाल्लाह ऐसे वीकेंड्स पे बहुत सारे प्लान्स हैं जो मैंने लाइन अप किए हैं। एजुकेशन के ऊपर भी मैं कोई स्कीम ला रही पर काम करूँगी, और जैसे कि ज्योतिबा फुले हो गया, आयुष्मान आश्रम कार्ड हो गया, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं अपना कैंप रखने वाली हूँ कमिंग वीक में। मेरी कोशिश यही है कि मैं हमारे प्रभाग के लोगों को हो सके जितना से जितना फ़ायदा पहुंचा सकूं, मैं इंशाल्लाह पहुंचाऊंगी। मेरे साथ बने रहे और इन ये कैंप को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत से लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। जफर भाई मेरे साथ दिन भर मौजूद थे, मेरी टीम और ये मेरी महिला संगठन सभी का, पूजा माँ हो गई, सभी का बेहद शुक्रिया तहे दिल से।